हेलो नमस्ते वनकम मरहबा सलाम अलैकुम दिस इज एमएस वेलकम टू माय टू चैनल एमएस ब्लॉग। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम तो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ आपका एमएस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। फिलहाल मैं मुंबई में हूँ और ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रहा था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, और जो चीज़ मेरा दिल नहीं करता ना वो चीज़ आदमी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि मज़ा उसमें आती है जिसमें आपको दिल करता है। तो दिल नहीं कर रहा था इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा था, बट लगा कि आज आप लोगों से बात करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया सो मैं आज हाजिर हो चुका हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी मुंबई में हूँ, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा रूम का टूर दे देता हूँ। जो यहाँ के जो रूम होते हैं ना वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ के रूम कैसे होते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये रूम का गेट है। हमारे रूम में कैसे होता है अक्सर रूम गेट ऐसा होता है, लेकिन यहाँ का ये ऐसा है। तो देखिए मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ, इसको ऐसे उठाना रहता है, और ये देख सकते हैं ये नीचे से सीढ़ी आता है, ये नीचे गली है वहाँ से सीढ़ी आती है ऊपर, तो यहाँ से ऊपर आना रहता है रूम में। रूम में आने के बाद ऐसा जब एंट्री मारेंगे यहाँ पर छोटी सी ये ऐसा डाल दिया था दीवार, तो यहाँ से ऊपर आएंगे तो उसके बाद रूम का कुछ ऐसा व्यूज दिखता है। ऐसे कुछ रूम, और ये रूम का ये हालत देख सकते हैं। यहाँ पे बिस्तरे पड़े हुए हैं ये सब सारे, और ये पानी का ड्राम है, इसमें पानी भरा जाता है, जो कि यहाँ की यहाँ पे तो कुछ ऐसा टैंकर वंकर का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे पानी बीएमसी देता है और यहाँ पे लोग स्टॉक करके रखते हैं पानी को बाद में यूज करने के लिए। ये उसका ही इसका ही उसका ही पाइप है, इसी पाइप से पाइप के जरिए भरा जाता है इसके में पानी। और यहाँ पे आप नहा सकते हो, और यहीं पे आप रात में लोग जो सुसु वगैरह होते हैं वो करते हैं, और बाकी यहाँ पर पानी मार के फ्लश कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सब सारा पानी भरने का रखा हुआ है, यहाँ पे पानी भर के रखा है शो करके, और यहाँ पे आप अपने पसंद का डिशेज बना सकते हैं। ये छोटा सा किचन है देख सकते हैं, और यहाँ पे छोटी सी एक विंडो डाला हुआ है जो कि ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, भी भाड़ी है इसके बाद, और नीचे गली है। उसके बाद यहाँ जो बैचलर लाइफ होती है ना वो यहाँ पे ऐसा ही होता है बैचलर लाइफ, क्योंकि जिसकी फैमिली वगैरह नहीं होती तो वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं यहाँ पे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और जिसकी फैमिली होती है वो घर को सजा के संवार के रखते हैं घर को, ताकि बाहर के कोई गेस्ट वगैरह आए तो देखे तो थोड़ा लगे कि हाँ कुछ व्यवस्था किया गया घर के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी ऐसे ही बिखरे रहते हैं जैसे तैसे कपड़े, बस अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो गाइज ज़्यादा कुछ तो नहीं है बताने के लिए, बस छोटी सी ऐसा अपडेट था समझ लो ये, और कुछ नहीं, बस प्लानिंग है कुछ आगे का जो करेंगे हम लोग, बट अभी दिल नहीं कर इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है, बट आएगा फाइनली। मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर ब्लॉग ला लूँ। वो कहते ना कि सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता, मैं सोचता कुछ और हूँ और हो कुछ और जाता है, इसलिए मैं आप सोचा हूँ कि सोचना छोड़ देता हूँ, बस अब मैं करूँगा। अच्छा तो देखते हैं कब तक ये प्लान सक्सेस हो पाता है कि नहीं, और मैं रेगुलर ब्लॉग डाल पाता हूँ कि नहीं डाल पाता हूँ। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मैं जानता हूँ अच्छी तो नहीं लगेगी बट भाई की समझ लेना। इस वीडियो में तो कुछ खास नहीं था जो अच्छा लगे आपको, बस ऐसा छोटा सा अपडेट था, और ये कुछ रूम टूर थे जो मुंबई की लाइफ होती है, जो यहाँ के घर होते हैं, मतलब जैसे चौल वगैरह में रहते हैं यहाँ पे लोग, इस चीज़ को बोलते हैं स्लम एरिया, तो ऐसे स्लम एरिया तो नहीं बोल सकते, बस ये छोटा सा चौल ही है, तो ऐसे ही यहाँ के रूम हो। बस ये रूम का टूर देना था आपको जो मैंने दे दिया आपको। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मुंबई लाइफ को दिखाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।
तो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।